दोस्तों, इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में भारत का नाम घसीटने की कोशिश की जा रही है। असल में अब से कुछ ही महीनों पहले इसराइल की तरफ से हमास पर कुछ हमले किए जाते हैं और इन हमलों के कुछ ही दिनों बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी कई हथियारों की सप्लाई इसराइल को कर रही है, जहां पर इसराइल उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मासूमों की जान ले रहा है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या यूनाइटेड नेशंस सभी जमकर के भारत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और एक बार भी क्रॉस इंक्वायरी नहीं की जाती है जिसे सच का पता लगाया जा सके। और आप सोच करके देखिए कि वो अमेरिका भारत पर टिप्पणी कर रहा है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में छोटे बड़े युद्ध शुरू होते रहते हैं। और अमेरिका चाहे तो इन सभी युद्धों को एक दिन में बंद करा सकता है, लेकिन बैकएंड से वो सप्लाई देता रहता है ताकि वो आसानी से अपने हथियार बेच सके, जिसके कारण आज दुनिया की टॉप 7 डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनीज की लिस्ट में अमेरिका की 5 कंपनियां शामिल हैं। जहां हम सबके लिए अच्छी बात यह है कि आज एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि जो भारतीय कंपनी इसराइल को हथियार सप्लाई कर रही थी वो इसराइल को एग्जैक्टली कोई भी हथियार सप्लाई नहीं कर रही थी। और अब इस बात पर पूरा वेस्ट मीडिया कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि पश्चिमी देश दोगलापन करते हैं या फिर नहीं, यसोनो के साथ कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे नए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की तरफ से हमास पर हुए हमले के कुछ महीनों बाद यानी कि 6 मार्च 2024 को यह खबर सामने निकल के आती है कि भारत की कंपनी अडानी ग्रुप ने इसराइल को दुनिया के एडवांस यूएवी यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल्स हार्म्स 900 एक्सपोर्ट किए हैं और ये करीब करीब 20 से 25 भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए हैं। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत हथियार बेचने में लगा हुआ है और दुनिया में लोग मर रहे हैं, इससे भारत को कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन आज इस रिपोर्ट का क्लियरेंस आ चुका है जिसमें बताया गया है कि अडानी डिफेंस ने यहां पर कोई भी इस तरीके के यूएवी एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। असल में जो 20 कंप्लीट हार्म्स 900 यूएवीज एक्सपोर्ट करने का दावा किया जा रहा था, ये पूरी तरीके से गलत है। असल में भारत की तरफ से 20 एस्ट्रोस्ट्रक्चर हार्म्स 900 के कंपोनेंट्स को सप्लाई किया गया है। हमने कोई भी कंप्लीट ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट्स इसराइल को एक्सपोर्ट नहीं किया है जिसका इस्तेमाल इसराइल किसी को मारने के लिए कर रहा हो। वही आपको बता दें, अडानी ग्रुप का नाम यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि अडानी डिफेंस ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है और इनका काफी बड़ा स्टेक अडानी ग्रुप के हाथ में है। तो अगर कंपोनेंट की सप्लाई की भी जाती है तो यहाँ पर अडानी ग्रुप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने क्लियर कर दिया है कि हमारी तरफ से सिर्फ कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, यहाँ पर भारत की कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करी है किसी भी कंप्लीट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में जिसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए किया गया हो। लेकिन इससे भारत को जो नुकसान होने थे अब शायद वो नुकसान हो चुके हैं, क्योंकि साल 2018 में अडानी इंटरप्राइज और इसराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम जो कि इसराइल की लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर कंपनी है, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश करके भारत में इनको प्रोड्यूस करने की तैयारी शुरू की थी। यहाँ पर भी अगर फ्यूचर में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है तो भारत के हाथ में इनका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि 85% ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ पर इसराइल के हाथ में ही है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही